से वोडाफोन वर्सेस कराबे के बीच आज का क्वार्टर फाइनल मुकाबला। पश्चात अमित मात्र भी हमारे साथ निश्चित ही इस समय। इस समय मुकाबला चलता हुआ काराबे वर्सेस, हाँ वही मैं बोला उसको, पहली गेंद काबर की तरफ खेलते हुए। हाँ या उधर या लोका अमित आप जाओ इधर आ जाओ ना इतने वास भी। बिल्कुल पंडित जी, एसी बीच राइट आर्म और द विकेट। अच्छी गेंद थी, काफी अच्छी बेहतरीन गेंद थी, लेकिन इस बार रक्षात्मक से गेंद को खेला है, कोई रन नहीं स्कोर जगह पे स्मित है। इस प्रकार स्कोर देखा जाए तो दो रन। इसी बीच स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज है जय, स्ट्राइक के ऊपर इस बार राइट आर्म और द विकेट। इस बार देखा जाए तो गेंद हिसाब से ऑफ स्टंप के बाहर वाइट का इशारा आया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का दोस्तों ये 25वां नियम का इस्तेमाल किया अंपायर ने और इस एक रन के साथ स्कोर आगे जाता है, स्कोर पहुंचा है 3 रन बगैर कोई विकेट के नुकसान पे। बार गेंदबाज कल्पेश की जयेश के लिए, वो काफी अच्छी गेंद थी, ब्लॉकअप में डाली हुई जरूर गेंद थी, खतरी गेंद थी, लेकिन इसके ऊपर सिंगल मिल जाती है। इस बार देखा जाए शॉर्ट कवर के ऊपर शानदार फील्डिंग का मुजाहरा पेश हुआ और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे जाता है, स्कोर पहुंच चुका है 4 रन बगैर कोई विकेट के नुकसान पे। उस बीच राइट आर्म और द विकेट, 30 गज के अंदर सभी तक 7 खिलाड़ी। वो हवाई फायर जरूर गेंद हवा में कैच की संभावना, इस बार लिया कैच, पहला विकेट मैदान से बाहर, 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे। हासिल की और एक शानदार यहां नियोजन किया है। इस बार वहाल के कप्तान ने जिस गेंदबाज को इस्तेमाल किया है उस कप्तान ने विश्वास जरूर दिखाया और विशाल जैसे खतरनाक खिलाड़ी जब मैदान से बाहर होने के बाद इस बार देखा जाए कराबे टीम का स्कोर है, लगभग नई मुंबई की टीम है दोस्तों 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और बल्लेबाज इस धीरज वन डाउन के रूप में इस बार अपील जरूर की थी लेकिन कोई असर नहीं अंपायर के ऊपर। इस बार देखा जाए तो गेंद डॉट गेंद की समाप्ति हो जाती है, स्कोर जगह पे रुका है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और यहाँ पहला ओवर समाप्त हो चुका है, मैन ऑफ द पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हो चुका है। 30 गज के अंदर 7 खिलाड़ी थे, 2 खिलाड़ी बाहर थे, 1 गेंदबाज 1 कीपर था, लेकिन पहले ओवर में रन आ चुके 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे, पहली सफलता हासिल किया। शानदार इस बार गेंदबाजी का नमूना पेश किया अपने टीम के लिए। इस बार कप्तान दूसरे गेंदबाज को क्या इस्तेमाल करते, किसी को इस्तेमाल करते और क्या क्रिकेट में इस बार देखा जाए इसी मैदान के ऊपर वापसी होगी आने वाला समय बताएगा। इस बार गेंदबाजी करने के लिए कप्तान ने दूसरी ओर अभी तक पारी की 18 गेंदें बाकी और तमाम दर्शक जवान के बाद मैच का स्वाद ले रही। एक क्रिकेट का जो ऐसा खेल है इसकी शुरुआत इंग्लैंड ने 1300 साल में किया है, लेकिन दोस्तों माखन चुराना जिसने कहा बंसी बजाकर जिसने नचाया, जिसने दुनिया को प्रेम करना सिखाया वो कन्हैया भी क्रिकेट खेलता था,
इस प्रकार देखना पड़ेगा किस तरह से 18 गेंदों में कितने रन इकट्ठा करते आने वाला समय बताएगा दोस्तों। क्रिकेट की भविष्यवाणी, क्रिकेट के कुरुक्षेत्र को बताना बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन इस बार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मैदान के ऊपर धीरज है। इस बार धीरज तांडेल स्ट्राइक के ऊपर है और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की दादागिरी हमेशा हो जाती है मैदान के ऊपर। सौरव गांगुली हो जाए या युवराज सिंह हो जाए, ब्रायन लारा जैसे खतरनाक खिलाड़ी भी दोस्तों जब मैदान के ऊपर हो जाते थे तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों के नाकों में दम आता है, लेकिन इस बार दूसरे गेंदबाज को सुदेश को आमंत्रित किया गेंदबाजी करने के लिए। वो काफी अच्छी गेंद और इस प्रकार जरूर अपील उंगली खड़ी और खिलाड़ी मैदान से बाहर। ज्ञानेश्वर माऊली गरवली देवी विठाई त्यांच्या संगतीनं, ज्ञानेश्वर माऊली गरवली देवी विठाई त्यांच्या संगतीनं, सिद्धिविनायक मैदानावर आयोजन केलं छान, त्यांचा पाहून आता आयोजन वाढली गावाची। यहा शानदार माजी सरपंच चषक 2017 का माननीय श्री उमेश नरुजी नरेश कडू माजी सरपंच ग्राम पंचायत सोनारी की तरफ से यह शानदार नियोजन किया है। शुक्ला के नाइट टूर्नामेंट का पहले दिन में दोस्तों देखा जाए तो काफी रोमांचक दर्शकों की उपस्थिति इस मैच के लिए दोस्तों है और पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ यह दर्शक इस मैच का आस्वाद ले रहे। दो विकेट मैदान से बाहर जा चुके और इस बार स्कोर बुक के ऊपर रन आ चुके हैं, 4 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी सुदेश की चल रही, राइट आर्म और विकेट की गेंदबाजी और नए बल्लेबाज अलंकार। उड़ा हवा में गेंद जाएगी, गेंद सीधा गेंद, इस बार लगभग छक्का आया, दम 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 छक्का। छक्का आया और इस बार देखा जाए तो शायद मुझे लगता है ये गेंद अंपायर का कहना है कि गेंद ऑफ स्टंप की ज्यादा ही बाहर है। दूसरा रन तेज गेंद के साथ पूरा कर दिया और शायद देखा जाए तो ये वाइड गेंद है, ऑफ स्टंप की ज्यादा बाहर है, अंपायर ने वाइड करार कर दिया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का दोस्तों ये 25वां नियम का इस्तेमाल किया और स्कोर पहुंच चुका है 13 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बार थोड़ी सी जो गति चल रही है इस गेंदबाज की थोड़ी सी इस प्रकार दिशा अच्छी नहीं है, लेकिन इस गेंद के ऊपर 3 रन आ चुके, 13 पे स्कोर जा चुका है 2 विकेट के नुकसान पे। वो इस बार जरूर खेलने का प्रयास किया, गेंद पीच के ऊपर रुकी है लेकिन कोई रन नहीं है, 13 रन 2 विकेट के नुकसान पे इस बार करावी टीम का स्कोर। वहां टीम के अंदर भी रोशन है जैसे खतरनाक खिलाड़ी है जो आज अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग का काम नमूना पेश करने जा रहे, लेकिन इस बार देखना पड़ेगा अलंकार अपनी टीम के लिए क्या कर दिया, शानदार छक्का लगा दिया। ओहो, इस बार पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक बहुत ही खूबसूरत है, इस बार दंदनादन छक्का आया, बेहतरीन स्ट्रोक। गेंदबाजी के ऊपर आक्रमण कर दिया, इस बार हवा में गेंद उड़ाया जरूर है, कैच की संभावना लिया, कैच लगभग देखा जाए शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर शानदार कैच दिया, खिलाड़ी को भेजा है पवेलियन के रास्ते के ऊपर। हो अब बिल्कुल यहाँ हमारे आदरणीय सीनियर कमेंटेटर इस बार नवनाथ जी मात्रे, इनका भी हम तेजिल से स्वागत करते हैं, उन्हें भी विनती आप स्टेज के ऊपर आइए और क्यों न हो जाए दोस्तों एक शानदार ये कोपरोली गांव का सुमधुर आवाज
जिस आवाज के ऊपर मुझे लगता है कहीं स्टेज के ऊपर कहीं अतिथि गणों को भी मंत्र मुग्ध दोस्त कर दिया, और मुझे लगता है यहाँ से एक शानदार नियोजन भी चल रहा है। लेकिन इस बार चौथे बल्लेबाज मैदान के ऊपर पहुंच चुके संदीप, इस बार का पैंतीस स्ट्रोक, गेंद चली गई है शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, और इस बार देखा जाए तो शानदार आया दंदनाता दन चौवा। तेईस रन, चुके और 23 रन के बदौलत देखा जाए तो शायद चार विकेट के नुकसान पे, तो काफी अच्छी बेहतरीन यहां मुझे लगता है गेंदबाजी चल रही थी। लेकिन इस ओवर में मुझे लगता है रन आ चुके हैं, इस ये ओवर तो बहुत महंगा साबित हुआ सुदेश का। इस ओवर में 19 रन आ चुके, 23 रन चार विकेट के नुकसान पे। अब बची हुई 12 गेंदों का खेल बाकी, दो ओवर की मैच मुझे लगता है बाकी। तमाम दर्शक रात कितनी भी काली हो जाए उसमें उजाला चमक जाता है नाइट टूर्नामेंट का दोस्तों, ये सवाल है। इस सवाल में देखा जाए तो शायद सवाल का जवाब देने के लिए दोनों टीम आमने सामने खेल रही है। इस बीच गेंद, ओह बिल्कुल मुझे लगता है बिग हिट लगाने का प्रयास जरूर किया था, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, इसलिए कहते दोस्तों डॉट गेंद की समाप्ति हो जाती है और चक्कर में डालने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता। 23 रन चार विकेट के नुकसान पे, माफ कीजिए 3 विकेट के नुकसान पे। इस बार संदीप स्ट्राइक के ऊपर, ओहो हवा में गेंद जरूर है आज की संभावना, ये देखो थोड़ा सा कॉल अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन रूशी नाइक ने शानदार कैच लिया और चौथा विकेट मैदान से बाहर जा चुका है और स्कोर बुक के ऊपर इस बार स्कोर जगह पे रुका है 23 रन चार विकेट। मैदान के ऊपर पहुंच चुके मोनिश, और ये काफी अच्छी लैंड डिलीवरी चल रही है, बैक फुट पर जाकर खेलने का प्रयास किया, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ तक, सिग्नल भी नहीं आया, इसी के साथ इसी को कहते हैं डॉट गेंद की समाप्ति हो जाती है। और ज्यादा अगर आप डॉट गेंद दिखा सकती है तो नॉन स्ट्राइक के ऊपर और बल्लेबाज के ऊपर और टेंशन बढ़ सकता है। इसी बीच राइट आर्म और विकेट की गेंदबाजी, अच्छी गेंद हवा में, गेंद इस बार देखा सकता है गेंद शॉट थर्ड मैन की दिशा में चली गई है, बाउंड्री के नजदीक पहुंचती हुई दूसरा रन तेज गति के साथ पूरा कर दिया, बढ़िया रनिंग बिटवीन द गेंद, तीसरा रन और इसी के साथ 3 रन दौड़ के पूरा कर दिया। थोड़ा सा इस प्रकार फील्डिंग अच्छी थी लेकिन थ्रो खराब, लेकिन 3 रन के साथ स्कोर आगे जाता है, स्कोर पहुंच चुका है 26 रन चार विकेट के नुकसान पे। और यहां शानदार इस प्रकार से नियोजन चल रहा है, काफी अच्छी गेंद थी बेहतरीन डिलीवरी, लेकिन इस बार काफी मिश्रण चल रहा है दोस्तों, और गेंदबाजी में मिश्रण होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए और वो गेंदबाज करने जा रही। आकाश इस बार गेंदबाजी कर राइट आर्म और द विकेट, काफी अच्छी गेंद, लवली कवर ड्राइव खेलने का प्रयास किया है, जाएगी गेंद बॉल के नजदीक और ताकत के साथ अब नजाकत का मिश्रण कमाल की रेंजे पास। विकेट के नुकसान पे 3 ओवर की मैच समाप्त हो चुकी है, 18 गेंदों में 30 रन इकट्ठा कर चुके हैं, 4 विकेटें मैदान से बाहर जा चुकी है, बची हुई इस पारी की 6 गेंदें और अंतिम ओवर के ऊपर कितने रन इकट्ठा करते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, क्या है बल्लेबाजी का प्लान, क्या है गेंदबाजी का प्लान, ये 6 गेंदों में समझ आएगा।
और यहाँ पूरी तरह से दर्शकों की तादाद और पूरी तरह से भीड़ इतनी मजबूती की है, मुझे लगता है आज लगभग देखा जाए तो घड़ी के अंदर मुझे लगता है 3:05 हो चुके, फिर भी लोग मुझे लगता है जबरदस्त इस मैच का आस्वाद ले रहे। और इस प्रकार आदिर भगत को आमंत्रित किया गेंदबाजी करने के लिए। इस बीच आदिर भगत की गेंद जरूरत के साथ देखा जा मैदान के ऊपर फील्डर मौजूद है और इसी के साथ एक करीबी मामला भी होने वाला था, लेकिन अच्छी फील्डिंग का मुजहरा पेश हुआ, लेकिन थ्रो थोड़ा सा जल्दी आया था, लेकिन इस बार कामयाब नहीं बन चुके। सिंगल मिल जाती है, 31 रन लॉस्ट, 4 विकेट के नुकसान पे। हेलो हेलो, इसी बीच इस बार देखा जाए तो शायद मिड विकेट के ऊपर गेंद जा चुकी है, तब तक दूसरा रन की तैयारी में अच्छा थ्रो आया, लेकिन सिंगल मिल जाती है और सिंगल के साथ स्कोर पहुंच चुका है 32 रन 4 विकेट के नुकसान पे इस बार करावी टीम का स्कोर। काफी अच्छी गेंद थी और इस प्रकार देखा जाए तो अपील जरूर की थी और उंगली खड़ी, एक उंगली उठी तो दुखे और दो उंगली उठी तो सुखे, इसी के साथ पांचवा खिलाड़ी पवेलियन के अंदर। छह रन बना के मुझे लगता है यहां से देखा जाए 10 रन बना के जयेश मैदान से बाहर आ चुके हैं। बत्तीस इस प्रकार स्कोर है और यहां लगभग देखा जाए 5 विकेट मैदान से बाहर जा चुके, काफी बेहतरीन गेंदबाजी चली इस बार वहाल की, लेकिन इस क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर दोस्तों कौन जीतेगा और कौन हार जाएगा या अंतिम गेंद के ऊपर दोस्तों कह नहीं सकता, क्योंकि क्रिकेट दोस्तों अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। बल्लेबाज अजिंक्य पहुंच चुके हैं और इस बार ये गेंद तो पीछे रखा जरूर, हवा में गेंद जरूर है, इस बार कैच की संभावना, लिया कैच, खिलाड़ी मैदान से बाहर और इस बार 32 रन 6 विकेट के नुकसान पे। काफी इस प्रकार देखा जाए बेहतरीन गेंदबाजी। काफी अच्छी गेंदबाजी और इसी के तौर के ऊपर 6 विकेट मैदान से बाहर जा चुके, जैसे कि किसी तेज आंधी में किसी पेड़ के सूखी पत्तियां बिखर जाती है, उस तरह से इस बार करावे 11 करावे टीम की स्थिति हो चुकी। बत्तीस रन 6 विकेट के नुकसान पे और धमाकेदार यहां ऊपर हमारा पटाखा भी फूजा। इस बार काफी अच्छी गेंद और यहां शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश किया और हैट्रिक लिया, मुझे लगा दूसरी हैट्रिक लेने वाले इस बार, देखा जाए पहली हैट्रिक जो ली थी। और इस बार हैट्रिक लिया है वहाल के गेंदबाज मिथुन ने और मिथुन नाम सुनते ही दोस्तों उस जमाने की याद, एक बेहतरीन डांसर मिथुन चक्रवर्ती और इस बार वहाल के मिथुन ने 3 गेंद के ऊपर 3 विकेट लिया और दूसरी हैट्रिक अपने संपादित कर दिया। अब आप कीजिए आदिर गेंदबाज है और शानदार हैट्रिक लिया आदिर ने। काफी अंदर जरूर आई थी गेंद और इस बार बल्लेबाज को फंसा दिया और लगभग देखा 4 विकेट, क्या बेहतरीन गेंदबाजी
आज मुझे लगता है चार गेंदों के ऊपर चार विकेट लेने वाले नाइट टूर्नामेंट में मुझे लगता है अभी तक की मैच होने वाली है, लेकिन काफी शानदार गेंदबाजी जलवा दिखाया और जलवा के साथ मुझे लगता है चार गेंदों के ऊपर चार विकेट लिया और ये रिकॉर्ड मुझे लगता है आज के दिन के लिए जिसमें अधीर का बेहतरीन रिकॉर्ड स्थापन हो चुका है और इस पटाखे के धमाके धार से मुझे लगता है इस बार इस गेंदबाज का स्वागत किया। चार गेंदों के ऊपर चार विकेट लिया, पहली विकेट हासिल किया था राहुल ने, लेकिन इस बार अधीर ने जो चार गेंदों के ऊपर चार विकेट लिया काफी बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन गेंदबाजी का। टोटल स्कोर पहुंच चुका है 32 और जीतने के लिए इस बार वहाल टीम को चाहिए 33 रन, 24 गेंदे 33 रन। मुश्किल तो नहीं है मैच को जीतना, लेकिन जीत क्रिकेट की हो जाती है, लेकिन सामने वाली टीम की अगर गेंदबाजी चल सकती है तो शायद कुछ ना कुछ दिक्कतें पैदा हो सकती है। मुश्किल तो नहीं मैच को निकालना, 24 गेंदे और 33 रन, गेंदे और रनों का डिफरेंस दोस्तों देखा जाए तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो शायद 24 गेंदे है और 33 रन है, 9 रन ही दूर है। और यहां मुझे लगता है हमारे पेन जोहा के हमारे जोहा गांव के रहते इस बार रुपेश जी पाटिल और उनके पुलिस हेड कांस्टेबल भी, हम उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं क्योंकि ये हमारी शान है गांव की और निश्चित रूप से मुझे लगता है ये ड्यूटी ये फर्ज निभाना पड़ता है। और निश्चित रूप से दोस्तों सभी पुलिस लोगों का सम्मान करना क्योंकि उनके ऊपर भी अभी अब सैनिक के बारे में अगर कही जाए तो हम अभी तक उधर सो जाते हैं, उसका कारण वही है कि देश की सेवा कर जाते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों कह जाता हूं कि कोई सिख कोई जाट मराठा कोई बुरखा कोई मद्रासी सरहद पे मरने वाला हर वीरता भारतवासी, लेकिन जो ऊंचे पर्वत के ऊपर खून गिराता वो खून हिंदुस्तानी दोस्तों था। और इसी के साथ 33 रन, मुश्किल तो नहीं है मैच को जीतना, क्या है गेंदबाजी का प्लान, क्या है बल्लेबाजी का प्लान आने वाला वक्त बताएगा। ऋषि नायक इस बार मैदान के ऊपर चल चुके हैं और उन्हें साथ निभाने के लिए इस बार सलामीर जोड़ी के रूप में जा रहे हैं वन डाउन। इस बार प्रदीप ऋषि नायक मुझे लगता है हम भी आज ही याद है कि नवघर के मैदान के ऊपर उन्होंने 5 गेंदों के ऊपर 5 छक्के मारे थे और अंतिम गेंद के ऊपर उन्होंने छक्का मारा था, लेकिन लॉन्ग ऑन के ऊपर उनकी कैच लिया और उनका वो रिकॉर्ड मुझे लगता है नवघर के मैदान के ऊपर टूटा था। रिकॉर्ड मुझे लगता है होते ही रहते रिकॉर्ड, लेकिन वहां ऋषि नायक के पास एक बहुत ही भारी जलवा आया था, लेकिन अंतिम गेंद के ऊपर दोस्तों जो भाग्य अपने को साथ नहीं देता, लेकिन 5 गेंदों के ऊपर उन्हें 5 छक्के मारे थे। और ऋषि नायक जैसे वहाल के ये रत्न मुझे लगता है एक जबरदस्त खिलाड़ी इस बार पहले ओवर की पहली गेंद। ओहो बहुत भारी इस बार ऋषि नायक जैसे खतरनाक खिलाड़ी वहाल के इस बार बेहतरीन खिलाड़ी पवेलियन के अंदर लॉन्ग ऑन के ऊपर लिया कैच। बहुत ही भारी है पहली विकेट मिली, बड़ी मछली जाल में फंस चुकी है और ये पीच दोस्तों लगभग देखा जाए तो गुफा है और गुफा के ऊपर से शेर को बाहर भेजा है मैदान से, पहला झटका 0 रन बना के मैदान से बाहर आ चुके और स्कोर हो जाए इस प्रकार रनों का खाता ओपन नहीं लेकिन इस बार विकेट लेने का खाता ओपन हो चुका है। इस बार स्कोर है वाइल्ड टीम का 0 रन 1 विकेट के नुकसान पे, ऋषि नायक मैदान से बाहर। 23 गेंदे टीम को जीतने के लिए इस बार 33 रन। इस बार नए बल्लेबाज वन डाउन के रूप में सुदेश जी जा चुके, इस बार विपुल की अच्छी गेंदबाजी और इस बार
देखा जाए तो ये अगर ये गेंद हाथ में टिक जाती तो यह करीबी मामला होने वाला था। दोनों के बीच कॉलमेल अच्छा नहीं है, तालमेल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर यह झटका लगने वाला था तो दो विकेट मैदान से बाहर जाने वाले थे रूसी नायक के बाद, लेकिन यहाँ कोई खतरे की घंटी नहीं बजी और इसी के साथ कोई स्कोर नहीं है, जीरो रन एक विकेट के नुकसान पे। ओहो, इस बार काफी फुल टॉस गेंद थी लेकिन इस बार इसका फायदा नहीं उठा सके। इस बार तीन गेंदें हो चुकी, पहली गेंद के ऊपर रूसी नायक मैदान से बाहर, दूसरी गेंद के ऊपर दोस्तों देखा जाए तो कोई रन नहीं, तीसरी गेंद डॉट जाती है, तीन गेंदों में एक विकेट मिल जाती है, लेकिन अभी तक स्कोर बुक के ऊपर देखा जाए तो इस बार वाहल टीम का कोई स्कोर खड़ा नहीं हो चुका, लेकिन विकेट मैदान से बाहर जा चुकी। इस बार काफी अच्छी गेंद थी और निश्चित रूप से शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर गेंद जा चुकी है, एक रन लिया और एक रन के साथ देखा जाए प्रदीप ने अपना खुद का खाता खोला और इस बार ओपन खाता हो चुका है, स्कोर बुक के ऊपर वाहल टीम का रन आ चुका है, वन रन खाता ओपन हो चुका है और एक विकेट के नुकसान पे यह वाहल टीम का स्कोर है। बिल्कुल माफ कीजिए, सुदेश ने खाता खोला है और प्रदीप अब स्ट्राइक के ऊपर पहुंच चुके। इसी बीच काफी अच्छी गेंद और इसी के साथ कॉटन बोल लिया, खिलाड़ी को भेजा है पब्लिक के रास्ते के ऊपर, इस बार प्रदीप मैदान से बाहर, स्कोर है एक रन। इस बार नए बल्लेबाज जा रहे आकाश, आकाश नाम सुनते ही दोस्तों इस रायगढ़ के वंडरबार आकाश तारेकर और जिनके पास मुझे लगता है 14 बाइक है उनके पास, एक बेहतरीन उनका रिकॉर्ड भी दोस्तों है और क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर दोस्तों रिकॉर्ड होते ही रहते, लेकिन इस बार नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर आकाश पहुंच चुके। काफी अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया गेंद का, इस बार तो निश्चित रूप से सिंगल मिल जाती और सिंगल के साथ देखा जाए तो स्कोर पहुंच चुका है दो रन दो विकेट के नुकसान पे, इस बार वाहल टीम का स्कोर है। काफी पहली ओवर मैंडेटरी पावर प्ले के पहले ओवर में दो रन आते हैं, दो विकेट मैदान से बाहर जाते हैं, रूसी नायक जैसे बल्लेबाज जब पहली गेंद के ऊपर आउट हो जाते हैं तो थोड़ा सा एक मानसिक धक्का टीम को मिल चुका है, लेकिन इस टीम को अब मुझे लगता है उभरना चाहिए, इस टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर लेना चाहिए, तो ये दोनों बल्लेबाज को अच्छा काम करना पड़ेगा। लेकिन नई मुंबई इस बार देखा जाए तो खराब है, टीम के पहले गेंदबाज विपुल ने जो गेंदबाजी की वो गेंदबाजी में जान थी, वो जान के साथ उनकी शान बढ़ चुकी और जलवे के साथ दो विकेट मैदान से बाहर भेजा, दो रन दो विकेट के नुकसान पे। और इस बार दूसरे गेंदबाज को इस्तेमाल करने जा रहे हरिदेव को, पहले कह दिया मुंबई वर्सेस पनवेल की ये मैच जरूर है, लेकिन पहले ओवर में अगर देखा जाए दो रन आ जाते दो विकेट के नुकसान पे, आकाश इस बार स्ट्राइक के ऊपर है और गेंदबाजी करने के लिए कप्तान ने आमंत्रित किया हरिदेव को और थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन चल रहा है। अब जीतने के लिए 18 गेंदे और टीम को चाहिए 31 रन, 31 रन की जरूरत है। कृपया जी गाड़ी समोर आ गाड़ी त्या गाड़ी विनंती अपन लाइट बंद करा। इस बार हरिदेव की गेंदबाजी राइट आर्म ओवर द विकेट की गेंदबाजी, स्कूल एंड की दिशा से गेंदबाजी कर रही और काफी शानदार इस बार नियोजन सरपंच दशक 2017 का। वो काफी अच्छी गेंद थी, निश्चित रूप से गेंद को देखा जाए तो शायद शॉर्ट टर्म की दिशा में गेंद को कलेक्ट कर दिया है और सिंगल मिल जाती है और सिंगल के साथ स्कोर आगे जाता है, स्कोर पहुंच चुका है इस बार देखा जाए तो शायद तीन रन दो विकेट के नुकसान पे।
और यहाँ मैंने पहले ही दोस्तों कह दिया काफी अच्छी नियंत्रण के साथ गेंदबाजी कर सकती है तो थोड़ी सी वापसी हो सकती है। और इस बार होम अगेन कैच की संभावना होगी क्या जा जाएगी गेंद मारने के बाद और इसी के साथ कैच को ड्रॉप कर दिया है, दो रन दौड़ के पूरा कर दिया, तीसरा रन मगर दो ही रन मिल जाते हैं और दो रन के साथ स्कोर आगे स्कोर पहुंचा। कदमों का जरूर प्रयोग किया था, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं और ये गेंद कीपर के दस्ताना में जाती हुई मैडन गेंद की समाप्ति हो जाती है। स्कोर है 5 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इस बार काफी अच्छी गेंदबाजी चल रही इस बार कराबी टीम की और वो कोट चाहिए लेकिन इस बार वहल टीम का बल्लेबाजी का प्लान एक मजबूती का होना चाहिए मैच को जीतना है तो। ओ काफी अच्छी गेंद गोड लाइन के ऊपर से गेंद को छोड़ते हैं और बल्ला आगे ही घूमता है हवा में, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हो जाता है और चक्कर में डालने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता, दो गेंदें डॉट हो चुकी है, स्कोर है 5 रन लगभग देखा जाए 2 विकेट के नुकसान पे। और इस बार स्वदेश मैदान के ऊपर खेल रहे काफी अच्छी गेंदबाजी चली हरिदेव की। ओहो इस बार निश्चित रूप से सामने मार दिया गेंद को, लिया कैच सुदेश मैदान से बाहर, 5 रन 3 विकेट के नुकसान पे इस बार वहाल टीम का स्कोर। उस डाल के ऊपर नहीं होता, उसका विश्वास अपने पंखों के ऊपर होता है। इस बार गेंदबाजी में विश्वास है और विश्वास के तौर के ऊपर विपुल के बाद हरिदेव भी अपनी टीम के लिए शानदार गेंदबाजी करने जा रहे हैं। इस बार निश्चित रूप से बड़े आपके ऊपर से खेलने का प्रयास किया है तो निश्चित रूप से लगभग देखा जाए सिंगल मिल सकती है, दूसरा रन की तैयारी में होने वाली थी लेकिन यहां सिंगल ही मिल जाती है और सिंगल के साथ स्कोर आगे जाता है, स्कोर पहुंच चुका है 6 रन और ऊपर दो ओवर में रन आ चुके हैं 6, मतलब काफी अच्छी गेंदबाजी। मुझे लगता है विपुल ने जब गेंदबाजी करने के बाद हरिदेव कह रहे हैं मैं भी बेहतरीन गेंदबाजी कर सकते, दो ओवर समाप्त हो चुके 12 गेंदों में रन आ चुके इस बार देखा जाए 6 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अब जीतने के लिए 27 रन की दरकार है, 12 गेंदे और 27 रन इकट्ठा कर रहे हैं, मुश्किल तो नहीं है मैच को जीतना अगर अपने पास वो क्षमता हो सकती है, मैदान के ऊपर आपका बल्ला चल सकता है तो सामने वाली टीम को दिक्कतें पैदा हो सकती है, अगर गेंद चल सकती है दो ओवर में लगभग 6 रन आ जाते हैं और इस प्रकार देखा जाए तो शायद 3 विकेट मैदान से बाहर जाते हैं। तो काफी अच्छी गेंदबाजी विपुल ने किया, हरिदेव ने अपनी टीम के लिए किया लेकिन तीसरे गेंदबाज को इस्तेमाल करने जा रहे कप्तान जिनका नाम है अलंकार। इस बार अलंकार की गेंद निश्चित रूप से देखा जाए तो शायद मिड विकेट की गली में जाती हुई गेंद, दूसरा रन तेज गति के साथ पूरा कर दिया, समय था बल्लेबाज के पास और 2 रन पूरा कर दिया, 2 रन के साथ स्कोर जाता है 8 रन। पर आकाश के बल्ले से निकला हुआ जरूर स्ट्रोक था लेकिन नॉन स्ट्राइक के ऊपर सचिन है, सचिन नाम सुनते ही दोस्तों इस कुरुक्षेत्र के ऊपर दोस्त क्रिकेट का भगवान बना वो मास्टर भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर। इस बीच ओहो घुमाने का जरूर प्रयास किया था अगर मुझे लगता है रन चाहिए अपने टीम के लिए, स्ट्रोक खेलने का प्रयास करते, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं, ये गेंद मिड विकेट के ऊपर खेलने का प्रयास किया था लेकिन इस बार असफल बन चुके, स्कोर है 8 रन। काफी अच्छी गेंदबाजी करावे की, ओ इस बार विकेट कीपर के मुझे लगता है थोड़ी सी हाथों से गेंद छूट चुकी है तो शायद मुझे लगता है सिंगल मिल जाती है
और सिंगल के साथ स्कोर आगे स्कोर पहुंच चुका है इस बार 9 रन 3 विकेट के नुकसान पे। ये मैच में गेंदबाजी जबरदस्त चल रही, जबरदस्त गेंदबाजी अलंकार की, ये गेंद राइट आर्म राउंड विकेट के गेंदबाजी चल रही, काफी अच्छा नजाकत के साथ ये गेंदबाजी चल रही। और इस गेंदबाजी के तौर के ऊपर दोस्तों देखा जाए तो शायद वहां टीम के खिलाड़ी बल्लेबाज मैदान के ऊपर कामयाब नहीं बनने जा रहे, सचिन जैसे बल्लेबाज को ये गेंदबाज फंसा रहे। इस बार हवा में गेंद और निश्चित रूप से एक रन मिल जाती है, दूसरे रन की तैयारी में दो रन दौड़ के पूरा कर दिया, करीबी मामला लेकिन इस बार दो रन दौड़ के पूरा कर दिया और दो रन के साथ स्कोर आगे स्कोर पहुंच चुका है इस बार 11 रन। अब जीतने के लिए अभी तक 22 रन की दरकार है और बिल्कुल मुझे लगता है ये हमारी पिच जिन्होंने बना दिया है वो हमारे सहकारी मनोज कड़ू, नरेंद्र पाटिल, रवि कड़ू, महेश मात्रे, नितिन तांडेल, नरेश कड़ू, यज्ञेश ठाकुर और इनकी जो मुझे लगता है मेहनत इस पिच के लिए लिया वो काफी भारी लिया। ओहो, और इस बार ये मुझे लगता है हमारी पिच इतनी भारी बनाने के लिए हमारे ये सभी सदस्य ने मेहनत लिया लेकिन रन इकट्ठा करने के लिए इस बार वहाल के बल्लेबाज कामयाब नहीं बनने जा रहे और लगभग 3 ओवर समाप्त तो हो चुके, तीनों गेंदबाजों ने इतनी भारी गेंदबाजी की, विपुल ने किए, विपुल के बाद हरिदेव ने किया, हरिदेव के बाद अलंकार ने दोस्तों गेंदबाजी की और अलंकार दोस्तों इसका मतलब सोना है और ये सोने की गेंदबाजी जब मैदान के ऊपर भारी होने के बाद स्कोर इस प्रकार है 11 रन 11 रन और जीतने के लिए इस बार रन चाहिए टीम को 6 गेंदे और 22 रन, 33 रनों का टारगेट रखा है, अब 6 गेंदे और 22 रन इकट्ठा कर रहा है और आकाश जैसे बल्लेबाज को ये मैच को जीतना है तो इसी मैदान के ऊपर धूमचक्र बनाना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा, जज्बा तकनीक और साहस का शानदार नमूना पेश करना पड़ेगा तब भी ये मैच में मुझे लगता है हॉकी जैसी खुशबू हो सकती है। नतीजा एक मैच गेंदबाज अपने झोली में डाल सकते हैं, सही। इसी बीच ओ हवा में जरूर गेंदे कैच की संभावना और अलंकार ने शानदार कैच लिया, जरूर कॉल किया था लेकिन इस बार वहां टीम के इस रुशिनाई की सेना मैदान के ऊपर कामयाब नहीं। पवेलियन के अंदर आ चुके हैं, 5 गेंदे टीम को जीतने के लिए 22 रन। शुभ गेंदबाज जो शुभ मुझे लगता है पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच के हीरो बने थे भाई शुभ सचिन के लिए, और इस बार इस प्रकार देखा जाए तो शायद इस बार कराबे कप्तान ने गेंदबाज को आदेश दिया है कि कुछ भी करके बेहतरीन गेंदबाजी करो, हमें मैच जीतना है लेकिन बल्लेबाज को आदेश नहीं है कि रन निकालना, कि पता नहीं चल रहा है कि इस बार ये क्यों नहीं रन इकट्ठा हो रहे लेकिन क्रिकेट दोस्तों अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल। ओ बस इस शॉट से मुझे लगता है कुछ होने वाला नहीं है और इस प्रकार सिंगल मिल जाती है और सिंगल का दुख किसी को नहीं है, अब जीतने के लिए 21 रन के अभी तक दरकार है, 3 गेंदे और 21 रन। पूरी तरह से इस मैच के ऊपर मुझे लगता है अपनी धाक अपनी दादागिरी दिखाने जा रही इस बार कराबे टीम और टॉस करने के लिए एक बार मुझे प्लस पे कप्तान और इनमें से जीतने वाली टीम के साथ ये मुकाबला होने वाला है सुपर 3 के लिए। ओ हवा में जरूर शॉट है लेकिन इस प्रकार देखा जाए तो कैच की संभावना, 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा हो चुका है उसी तरह, तो शायद मुझे लगता है इस मैच की पूरी तरह से ये संकट तो जरूर मैदान के ऊपर टीम के वाल के ऊपर आ चुका था लेकिन कामयाब नहीं बन चुके। जब ऋषि नायक मैदान से बाहर गए तब मुझे लगता है कराबे के कप्तान ने सोच के साथ दिखा 3 गेंदबाजों ने जो गेंदबाजी की वो लाजवाब, इस बार बेपुल हरिदेव अलंकार ने लेकिन पूरी तरह से दोस्तों हमेशा कहता हूं लड़ाई में अगर जमीन के ऊपर आप घुटने टेक सकते तो 100% हारे दोस्तों।
और इस प्रकार मुझे लगता है शायद देखा जाए तो इस मैच के ऊपर हैवी बन चुकी है, इस मैच के ऊपर कब्जा कर चुकी है इस बार करावी टीम, नई मुंबई नेरुल की ये टीम है दोस्तों। और इसी के साथ देखा जाए व्हाइट का इशारा है अंपायर की तरफ से, और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का दोस्तों 25वां ने में सिंगल के साथ स्कोर जाता है 14 रन। और इसी के साथ लिया कैच और खिलाड़ी को सचिन को भेजा पवेलियन के रास्ते के ऊपर, और इसी को इस साथ देखा जाए करावे टीम ने इस जीत को कि आपका अनमोल टाइम देकर इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ा दिया। बाहर की टीम का भी हम स्वागत करते हैं, और इस बार जीत की टीम, जीतने वाली टीम को दोस्तों सिकंदर कहते हैं, इस बार करावी टीम का भी हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए सुपर थ्री की जो मैच है उस सुपर थ्री के मैच पे लगभग देखा जाए तो मैच है लगभग परस पे बनाम इस बार करावी टीम। बिल्कुल इस मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो है, और सचमुच जिनके नाम के अंदर ताकत है।